देखो अभी कुछ ही दिनों बाद क्लासिक 350 की नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च किया जाएगा, 2021 मॉडल क्लासिक 350। इस बाइक की एक वीडियो लीक हुई है, वीडियो आप देख सकते हो। इस वीडियो में जो आपको बाइक चलते हुए दिख रही है, मैं आपको सबसे पहले तो ये बोल दूं, ये फाइनल प्रोडक्शन मॉडल है, इसी मॉडल को लॉन्च किया जाएगा। इसमें अब और कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे, फाइनल यही बाइक लॉन्च होगी। आपको इस वीडियो को देख के ऐसा लग रहा होगा कि जो फिलहाल टाइम में क्लासिक 350 चल रही है अपने मार्केट में, वही सेम है, बस थोड़े बहुत कॉस्मेटिक बदलाव इस बाइक में किए गए, थोड़े बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। जब वीडियो को देखोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन एक चीज़ स्टार्टिंग में आपको बोल दूँ कि पूरी बाइक को नया कर दिया गया, इसमें पुरानी वाली कोई भी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी, हर एक चीज़ नई है बाइक के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको यही एक्सप्लेन करूंगा कि बाइक में क्या क्या नई चीज़ें ऐड हो चुकी है और कितनी बाइक बदल चुकी है। तो इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का वीर जी आदि राव और मैं अपनी पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो के अंदर। वीडियो स्टार्ट करने के साथ सबसे पहले उन बदलाव की बात करेंगे जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, और जो नहीं दिखाई दे रहे उनके बारे में बाद में फिर मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहला बदलाव जो आपको दिख रहा है वो है कि नए इंडिकेटर्स बाइक में ऐड हो चुकी है और नई टेल लाइट आ चुकी है। टेल लाइट बिल्कुल नई है, इंडिकेटर्स बिल्कुल नए हैं, और देखने में ऐसा लग रहा है कि ये इंडिकेटर LED इंडिकेटर है, ठीक है। इसके बाद जो अगला बदलाव आपको दिख रहा है वो इसकी नई सीट को पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा कुशनिंग वाली और ज़्यादा अच्छी बेटर क्वालिटी की बनाई गई है, ये आपको दिख रहा है। उसके अलावा क्या दिख रहा है, कुछ खास और आपको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा होगा। लेकिन अब करते हैं उन बदलाव की बात जो कि अब मैं आपको नोटिस करवाऊंगा इस बाइक के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो इस बाइक का रियर डिस्क है आपको देखने को मिल रहा होगा, पहले वो लेफ्ट साइड को होता था, अब उसको राइट साइड को शिफ्ट कर दिया है, और जो चैन स्प्रोकेट है उसको लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर दिया है, सबसे पहली चीज़। इसके बाद जो अगला बदलाव है वो आप फ्रंट में देखो, फ्रंट में जो डिस्क ब्रेक है उसको भी राइट साइड कर दिया, पहले वो लेफ्ट हुआ करता था क्लासिक 350 के अंदर, उसको राइट साइड कर दिया है। उसके अलावा अगले बदलाव की बात करें तो यहाँ पे आप एक बार साइलेंसर के ऊपर नज़र डालो, जो इसका एग्जॉस्ट है, तो एग्जॉस्ट में आप ध्यान दोगे कि जो इसका कैटलिटिक कन्वर्टर हुआ करता है BS6 में आने के बाद, वो कैटलिटिक कन्वर्टर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वो कैटलिटिक कन्वर्टर दरअसल अब साइलेंसर के नीचे की साइड, मतलब अंदर चला गया, और वो जो ऊपर वाली जो पाइप है वहाँ से हटा दिया गया है। वो देखने में थोड़ा भद्दा लगता था, और ये काफ़ी अच्छी बात है, ऊपर से हटा के नीचे शिफ्ट कर दिया, और ये अब नोटिस नहीं होगा देखने से, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब और अगले बदलाव की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा, इसके साइलेंसर के ऊपर जो आपको मफलर देखने को मिल रहा है वो पहले काफ़ी बड़ा साइज का था, अब उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, देखने में अच्छा लग रहा है और ये छोटा सा अपडेट है। लेकिन अब करते हैं सबसे बड़े अपडेट की और सबसे बड़े बदलाव की बात। तो आप एक बार बाइक को ध्यान से देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है। जो इसका फ्रेम है, जो इसका चेसी है, बिल्कुल ही बदल दिया गया। पहले इसमें सिंगल क्रेडल फ्रेम हुआ करता था, अब यहाँ पर आपको डबल क्रेडल फ्रेम देखने को मिल रहा है। चेसी कम्प्लीट चेंज है, ठीक है। एक तो ये चीज़ यहाँ पे होगी जिसकी वजह से वाइब्रेशंस बाइक में काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अब अगला जो अपडेट है वो आप इसके इंजन को देखो एक बार। मैं पुरानी वाली क्लासिक 350 उसका इंजन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसका इंजन उसका इंजन थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेटोर से मैच कर रहा है जो मेटोर 350 आई है। तो अभी ये बोलना तो थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी कि मैं ये आपको ये बोल दूँ कि इसे मेटोर 350 का इंजन दिया गया है, लेकिन हाँ, जो पुराना वाला इंजन था वो वाला इंजन तो अभी नहीं है। या तो इस इंजन को थोड़ा सा अपग्रेड मिल गया है, थोड़ा सा और बेटर कर दिया गया है, या फिर मेटोर से कुछ टेक्नोलॉजी ली गई है, मेटोर के इंजन से मैच करके इसको बनाया गया। जैसा ही बनाया गया, लेकिन ये इंजन पहले से काफ़ी बेटर हो चुका है। इसकी जो एग्जॉस्ट नोट है वो एक बार आप सुन लो, ये जो एग्जॉस्ट का साउंड है आपको पहले से थोड़ा सा डिफरेंट लगा होगा, पहले से थोड़ा सा ज़्यादा लीनियर लगा होगा और थोड़ा सा स्मूथ भी लगा होगा। तो आपको सिंपल से वर्डों में बता दूं कि इंजन पहले से थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइन है और पहले से थोड़ी सी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा। ऐसा जो अपडेट आई थी उसमें मेंशन था कि अब ये इंजन 20.2 BHP की पावर और 27 से 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा। तो पावर थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, पहले ये लगभग 19.5 BHP के आसपास, जहाँ तक मेरे को आइडिया इतना था। तो थोड़ी सी प्लस और कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो यहाँ पे खैर नहीं है। और ये 5-speed गेयरबॉक्स एयर कूल्ड इंजन रहेगा, फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लाइंट। तो यहाँ पे इंजन और चेसी को लेके काफ़ी बड़ा बदलाव है ये। अब यहाँ पे अगले बड़े अपडेट की बात करें तो वो है इस बाइक की फिट एंड फिनिश और बिल्ड क्वालिटी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस बाइक की जो लुक है वो अभी जो फिलहाल टाइम में क्लासिक 350 चल रही है उसके जैसी है, बिल्कुल सेम। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि वही क्लासिक 350 है, नहीं भाई, मैं आपको दोबारा बोल दूँ कि बाइक को काफ़ी हद तक नया कर दिया गया। आपको लुक बिल्कुल सेम देखने को मिल रही है, लेकिन जो पार्ट की जो क्वालिटी है, जो बिल्ड क्वालिटी है, जो फिट एंड फिनिश है, वो पहले से काफ़ी बेहतर आपको मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि सेम लुक के साथ
एक नया मॉडल बनाया रॉयल एनफील्ड ने, सेम लुक रहेगी लेकिन चीज़ें काफ़ी सारी बदल दी है बाइक में, काफ़ी सारी नहीं हर चीज़ आपको लगभग बदली हुई दिखाई देगी अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे चीज़ों को। और ये चीज़ आप तब अच्छे से समझ पाओगे जब बाइक रियल लाइफ में आ जाएगी और तब उसको आप देखोगे। तो मैं आपको दोबारा बोल दूँ, बाइक की फिट एंड फिनिश, बिल्ड क्वालिटी, इंजन, चेसी, फ्रेम, ये सब चीज़ें बाइक की पहले से बेटर हो गई है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको जितने भी अपडेट बताए हैं, जितने भी नई चीज़ें बताई बाइक के बारे में, वो सब बताया है इस वीडियो को देखकर, इस बाइक को अच्छे से देखकर बार बार प्ले किया है तब ये चीज़ें थोड़ी समझ में आई है और तब मैंने आपको बताया। लेकिन अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों की बात कर लेते हैं जो कि इस बाइक में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो अपडेट आई है अपडेट के अंदर मेंशन है, जो वेबसाइट वगैरह के ऊपर जो अपडेट आ रही है बाइक की, वहाँ पे कुछ नए फीचर्स और मेंशन किए गए हैं बाइक में कि ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही है बाइक में, मिलेगी या फिर। तो उन चीज़ों की और बात कर लेते हैं कि क्या क्या देखने को मिल सकता है उनके हिसाब से। तो सबसे पहली चीज़ है वो है इस बाइक का मीटर। इस बाइक में आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा अपडेट के हिसाब से। इस बाइक में आपको स्पीडोमीटर तो एनालॉग दिया जाएगा और बाकी जो ओडोमीटर रहेगा, ट्रिप मीटर रहेगा, इन सब चीज़ को एक छोटी सी MID के साथ डिजिटल तौर पर दिया जाएगा। इसके अलावा जो अगला अपडेट है वो है कि इस बाइक के जो स्विचेज वगैरह है वो मैट्योर जैसे देखने को मिलेंगे, राउंड शेप में, जो लाइट के लिए या फिर स्लब के लिए जो स्विच रहेगा वो राउंड शेप में, जैसा कि आपको मैट्योर 350 में देखने को मिल रहा है, कुछ उस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और अगले अपडेट की बात करें तो इस बाइक की हेडलाइट के अंदर आपको एक राउंड शेप में LED DRL देखने को मिलेगी। और इसके अलावा और एक दो चीज़ें नई हो सकती है बाइक में, लेकिन अभी तक जितना ही मेरे को समझ में आया है वो चीज़ मैंने आपको बता दिया। और जो अलग से थी, जो कि अपडेट आई हुई थी, जो कि इस बाइक में दिखाई नहीं दे रही लेकिन है, तो वो चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब आपको शायद कंफर्म हो गया होगा कि बाइक जो भी आपको देखने को मिल रही है काफ़ी हद तक बदल दी गई है, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू बाइक है। जब बाइक का चेसी और इंजन तक बदल दिया गया है तो बाइक में पुराना जैसा रहा गया यार, कुछ भी तो नहीं रहा, बस डिज़ाइन है, डिज़ाइन उनको सिमिलर रखना था ताकि इंडियंस को जो लुक पसंद आ रही वही लुक वो दोबारा नई चीज़ों के साथ दे सके, एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ, एक अच्छी फिट एंड फिनिश के साथ दे सके। तो यार ये काफ़ी अच्छी बात है, सेम लुक के साथ उन्होंने बाइक का सब कुछ बदल भी दिया है, हर एक चीज़ बेटर भी कर दी और वही सेम लुक आपको देखने को मिल रही है जो कि आपको पसंद है। तो काफ़ी अच्छा अपडेट लगा मुझे क्लासिक 350 का। अब इसकी प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो जो इसकी प्राइस है लगभग अभी जो आपको देखने को मिलती है मार्केट में वही सेम रहेगी, इसमें 1000-2000 रुपये अप या डाउन हो सकता है। देखो कुछ जगह ऐसा अपडेट है कि बाइक की जो प्राइस है 7-8 हज़ार रुपये या फिर 5-6 हज़ार रुपये मिनिमम बढ़ेगी। तो आपको बता दूँ अगर इतनी प्राइस इस बाइक की दोबारा से बढ़ा देंगे तो मेटोर से थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाएगी, या फिर मेटोर मतलब चाहे 1000 रुपये एक्स्ट्रा हो लेकिन मेटोर से ऊपर चली जाएगी, और मेटोर इससे ज़्यादा फीचरफुल है और ज़्यादा चीज़ें ऑफर करती है हर तरह से। तो रॉयल एनफील्ड नहीं चाहेगा कि इस बाइक की सेल डाउन पड़े ज़्यादा प्राइस होने की वजह से, क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी स्टेट में ये बाइक 2,25,000 से 2,30,000 तक ऑन रोड आपको देखने को मिल रही है। और इसी प्राइस रेंज में जो होंडा की हाइनेस 350 है वो भी आ जाती है, जो कि हर एक चीज़ में इससे थोड़ी सी प्लस है, बाकी एक फ़ैन फॉलोइंग वाली बात है इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो प्राइस मेरे हिसाब से वही रहेगा जो कि आज आपको देखने को मिल रहा है, 1000-2000 ऊपर नीचे होगा बस। अब लॉन्च डेट की बात करें तो लॉन्च किया जाएगा बाइक को फरवरी मार्च के महीने के आसपास में, मतलब 2021 के स्टार्टिंग में लॉन्च कर दिया जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं है बाइक को लॉन्च करने में, क्योंकि एक रीज़न आपको प्रॉपर सा इसका बता देता हूँ। जो होंडा की हाइनेस आई है, होंडा क्या कर रहा है, होंडा टारगेट बना के बैठा है कि आने वाले 6 महीने में 7 महीने में बिग विंग जो कि उनका शोरूम है उसके 60-70 आउटलेट और खोलेंगे, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था एक जगह। तो अगर इतने आउटलेट बिग विंग के खुल जाएंगे तो ये रॉयल एनफील्ड के लिए थोड़ा सा एक रिस्की हो जाएगा कि बाद में जब क्लासिक 350 को लॉन्च करेंगे तब तक लोग हाइनेस की तरफ शिफ्ट ना होने लग जाए। तो हाइनेस की तरफ शिफ्ट होने से पहले ही क्लासिक को एक बेटर चीज़ के साथ लोगों को देना चाहते हैं, तो इस वजह से आने वाले 1-2 महीने में क्लासिक 350 को लॉन्च कर दिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी अगर आपको इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आपके भाई को भी थोड़ा अच्छा लगे और अपडेट आपको भी मिलती रहे अच्छी। और अच्छी अच्छी पोस्ट देखना चाहते हो, रील्स वगैरह, वीडियो वगैरह तो बाइक के बारे में, तो वहाँ पर इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट मैं डालता रहता हूँ, वहाँ पर आप बातचीत भी कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर, ध्यान रखो, मस्त रहो, खुश रहो यार।